आपका क्वेश्चन है गिवन d इज इक्वल टू 5, s9 इज इक्वल टू 75, फाइंड a एंड a9। ठीक है, तो इसके अंदर आपका क्या पूछा है, a एंड a9। तो s9 इज 75, तो s9 का हम फॉर्मूला लिखते हैं पहले। तो हमारा sn का फॉर्मूला क्या होता है, sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू क्या है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, एंड an का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि a9 भी पूछा है, तो an का फॉर्मूला क्या है हमारा, क्या होता है, a प्लस नेक्स्ट n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करके देखो आपका क्या आएगा। ठीक है, किसमें, इसके अंदर वैल्यू पुट करो an, तो हमारा क्या है a9 इज इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 और d इज 5 इंटू 5। तो हमारा क्या आ गया a9 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा a प्लस 9 माइनस 1 इज 8, 8 फाइजा 40। ठीक है, तो a9 इज इक्वल टू a प्लस 40। ठीक है, अब sn का एक तो हमारा ये फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया है a प्लस l वाला भी एक फॉर्मूला है, वो क्या है हमारा, वो फॉर्मूला हमारा है sn इज इक्वल टू n बाई 2 और a प्लस ए एन और एल, है ना, इन दोनों में से एक लिखना है ए एन और एल। तो ए 9 दे रखा है क्योंकि एस 9 है यहां पर, तो सेम चीज हम लिखते हैं यहां पर एस 9 इज इक्वल टू 9 बाई 2 ब्रैकेट में हमारा है a प्लस ए 9, है ना, यही फॉर्मूला है सेम चीज। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है, एस नाइन हमारा क्या है 75, तो हमारा आ गया 75 इज इक्वल टू 9 बाई 2 ए प्लस ए 9 कितना है ए प्लस 40 ये वाला। ठीक है, तो ए प्लस 40, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, हमारा हो जाएगा 150 इज इक्वल टू 9 इंटू ए प्लस ए इज 2a प्लस 40। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा 150 इज इक्वल टू 9 इंटू 2a इज 18a प्लस 9 फोर जा कितना होता है 36, 360। अब 360 को इस साइड में लेकर आओ, देखते हैं हमारा क्या आता है, 150 माइनस 360 इज इक्वल टू 18a, तो ये कितना हो गया हमारा 210, माइनस 210, तो माइनस 210 बाई 18 नीचे की तरफ आ गया, 18 इज इक्वल टू a। ठीक है, अब हम इसको कट करते हैं, 3 से कट करो 6 नीचे, ऊपर कितना हो गया माइनस 70, 2 से कट करो आपका आएगा 3 ऊपर आएगा माइनस 35, तो देयरफॉर a का वैल्यू कितना आ गया हमारा माइनस 35 बाय 3। ठीक है, ये हमारी a की वैल्यू निकल के आई, a9 की वैल्यू हम निकालते हैं। तो अब हमको निकालना है नेक्स्ट इज a9। ठीक है, तो a9 ये रहा a प्लस 40, है ना, तो इसी के हिसाब से यहां पर a प्लस 40 के हिसाब से a9 हमारा निकलेगा, तो a9 हमारा कितना हो गया, a कितना है हमारा माइनस 35 बाई 3, माइनस 35
by 3 plus 40. ठीक है, तो कितना हो गया हमारा, 3 is LCM, तो minus 35 plus 120. That is equal to कितना हो गया, 3 4 जा 12, ठीक है 120. Next 120 plus में है, minus 35 minus में है, तो 10 में 5 गया, कितना हो गया हमारा 5. Next फिर 11 में 3 गया is 8. तो 85 by 3 is your AN and A is minus 35. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन A is equal to 2, D is equal to 8, SN is equal to 90, find N and AN. ठीक है, तो सबसे पहले तो A दे दिया है 2, D 8, N find out करना है आपको. ठीक है, तो N find out करने के लिए क्या है हमारे पास में, कुछ है, कुछ नहीं है. तो हमारे पास में सबसे पहले तो हम AN का फॉर्मूला लिखेंगे. क्या है, AN is equal to A plus N minus 1 into D. वैल्यू डालेंगे तो A की 2 है plus N minus 1 and D का 8 है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा AN. नेक्स्ट आपका SN का फॉर्मूला क्या है, वो हम लिखते हैं. SN is equal to N by 2 और क्या होता है हमारा, A plus AN. A plus AN. ठीक है, तो अब इसके अंदर हम वैल्यू डालते हैं. तो SN कितना दिया हुआ है हमारा, 90. 90 is equal to N by 2. A कितना है हमारा, 2 plus AN कितना है हमारा, ये वाले से यहां पर लिखो कितना है, 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो सीधा, 8 इनटू n इज 8n माइनस 8. ठीक है, अब देखते हैं क्या आता है. आप देखोगे ब्रैकेट में, या ब्रैकेट में सब इवन है, 2 2 8 8 है ना, और नीचे यहां पर 2 लिखा हुआ है, तो हम 2 से कट कर सकते हैं सबको, सबको 2 से कट कर सकते हैं उसको. तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 90 इज इक्वल, आपको ध्यान रखना है जब कट करोगे ब्रैकेट के अंदर तो सबको कट करना है, ये नहीं कि आपने A को कट कर दिया, नहीं सबको कट करना है, क्योंकि ये ब्रैकेट मींस वन पीस. ठीक है, तो आपका हो जाएगा n ब्रैकेट के अंदर 1 + 1 + 4n - 4. ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आपका आएगा 90 इज इक्वल टू n ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1 इज 2 और यहां पर माइनस 4, यानी क्या हो गया आपका माइनस 2, 4n माइनस 2, 4n माइनस 2, ब्रैकेट खोल दोगे आपका आएगा 90 इज इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 2n. ठीक है, 90 को भी राइट साइड में लेकर आ जाओ तो आपका क्या वैल्यू आएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इज इक्वल टू 0. ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे ये क्या है, सब इवन नंबर है, सब इवन नंबर है, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे. 2 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा, जस्ट राइट इट, आपका आएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब आप इसको स्प्लिट करके देखो, स्प्लिट करने में आपका क्या आएगा, जस्ट चेक इट, 2 इंटू 45 इज 90, 9 इंटू 10 इज 90 और 10 माइनस 9 इज 1, सेंटर 1 इज 1. ठीक है, तो अगर आप इसको स्प्लिट करोगे तो आपका आएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0.
तो 2n इज कॉमन, तो हमारा आ गया n माइनस 5 प्लस 9 इज कॉमन, n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर वाला, ब्रैकेट के बाहर वाला ले लो, आपका क्या आएगा n माइनस 1 एक हो गया, दूसरा क्या है आपका 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 5 हो गया यहां पर, और यहां पर क्या हो गया हमारा n इज इक्वल टू माइनस 9/2। ठीक है, और हमारे नंबर माइनस 9/2 तो हो ही नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे इस नंबर को एलिमिनेट करेंगे, इसको एलिमिनेट कर दिया क्योंकि माइनस में है, नंबर हमारा माइनस में नहीं हो सकता, काउंट कर रहे हैं तो माइनस में नहीं जाएगा वो, इट इज इन फिगर्स, तो n इज इक्वल टू 5 इज द करेक्ट आंसर, तो n तो हमारा निकल गया 5। ठीक है, अब बच गया हमारा an, तो an क्या निकलेगा हमारा, जस्ट हम चेक करते हैं ये वाले में यहां पर, तो an इज इक्वल टू कितना है हमारा 2 प्लस n माइनस 1, यानी क्या हो गया हमारा an इज इक्वल टू 2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 8, तो 2 प्लस 5 माइनस 1 इज 4 इंटू 8, तो क्या हो गया हमारा 2 प्लस 4 इंटू 8 इज 32, 2 प्लस 32 इज 34, an इज 34। ठीक है,